जैन साथियों, पहले तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको चिन्ह लगाना सिखाएंगे, जो बिल्कुल आसान है और आप सभी लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूँगा। तो चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहली कंडीशन में दिया है, प्लस और प्लस को जोड़ने पर प्लस आता है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें संख्या ले ली मैंने 3 और प्लस 3। देखिएगा प्लस का होता है लेकिन आगे कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो जोड़ों को जोड़ोगे तो फिर 3 3 कितना हो गया, 6। देखो प्लस का है, प्लस लिख नहीं सकते हम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में इसमें क्या है, माइनस और प्लस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें दो कंडीशनें बनती हैं, एक बार तो माइनस आ सकता है और एक बार प्लस आ सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है वो हम बताएंगे, चलिएगा देखते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन माइनस वाली देखते हैं। जैसे कि माइनस का 5 दिया हुआ है और प्लस का 3 दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी बड़े अंक के सामने माइनस लगा होता है तो आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो -5 में से 3 गया तो माइनस का कितना बचा, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लस वाली कंडीशन। ठीक है, अब माइनस वाली कंडीशन हो गई, अब प्लस वाली कंडीशन में क्या होगा। जैसे कि हम सवाल लेते हैं, 11 प्लस माइनस का 3 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इधर यहाँ तो बड़ा तो प्लस का है ना, तो यहाँ पे देखिए 11, इसे हम खोलेंगे फिर भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8, क्योंकि इसमें माइनस इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारा बड़ा अंक है वो प्लस का था। ठीक है, वैसे माइनस आ सकता था। ठीक है, कंडीशन थोड़ा कुछ भी हो फिलहाल आ सकता था। ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं, माइनस और माइनस को जोड़ने पर माइनस आता है, ये भी देखते हैं। जैसे कि माइनस का 3 और प्लस माइनस का 2, जब इन दो को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब चलिएगा, इसी जे ये सवाल ये बताया था ना, इसी सेम ई उल्टा है क्योंकि यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम गुणा वाली कंडीशन को देखते हैं। जैसे कि प्लस वाले हैं, जब दो संख्याएं प्लस में होती हैं तो गुणा में प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। जैसे कि 4 है गुणा 3 है, देखिएगा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, तो 4 3 12, तो ये भी प्लस का आएगा। अब जैसे कि माइनस की कंडीशन दिया है पहले, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 4 गुणा, यहाँ पे प्लस का है, प्लस का हम 2 करेंगे। ठीक है, अब 4 2 8, अब देखिएगा जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो हमेशा माइनस आएगा, तो 4 2 8 और ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें देखते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या करें, 5 2 10 और माइनस माइनस ये क्या आएगा, कट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये कंडीशन भी देखते हैं, जैसे कि 7 गुणा माइनस का 5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो पहले तो हम अंकों का गुणा करते हैं, 7 5 35, और देखिएगा माइनस 1 प्लस, माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं। इसी तरह से ये चिन्हों का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 और है, वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, अगले दिन आपको पार्ट 2 मिलेगा, तो तब तक सभी लोग खुश रहिए और होली आराम से मनाइएगा। सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।